द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अडानी ग्रुप को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। गौतम अडानी को खुद मीडिया के सामने आकर एक वीडियो जारी करना पड़ा, मैसेज देना पड़ा कि मैंने एफपीओ वापस क्यों लिया है, ताकि निवेशकों को लॉस ना हो। अडानी ग्रुप के तमाम शेयर्स इस गति से गिर रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से। तब से गौतम अडानी का पूरा समूह छटपटाहट में है। बौखलाहट में आकर गौतम अडानी कदम तो उठा रहे हैं, लेकिन हर कदम फेल हो रहा है। नतीजा यह हुआ है कि एफपीओ तो वापस लेना ही पड़ा, लेकिन एक और रिपोर्ट ने गौतम अडानी के नाक में दम कर दिया है। बड़ी खबर सामने आई है, यूरोप के एक बड़े बैंक ने गौतम अडानी को मार्जिन लोन देने से मना कर दिया है, उनके बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। यह सनसनीखेज खबर जैसे ही सामने आई, एक बार फिर से गौतम अडानी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। गौतम अडानी के तमाम ग्रुप्स के शेयर, जितने भी अडानी ग्रुप में कंपनियां हैं, उनके सभी स्टॉक धराशायी होते जा रहे हैं। ऐसे में निवेशकों के लाखों करोड़ तो डूब ही रहे हैं, साथ ही साथ गौतम अडानी का नेटवर्थ ताबड़तोड़ नीचे गिरता जा रहा है। भारत में गौतम अडानी नंबर वन हुआ करते थे अमीरों की सूची में, लेकिन उन्हें एक बार फिर से मुकेश अंबानी ने पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी ऊपर आ गए हैं, गौतम अडानी फिसलते चले गए हैं, 15वें नंबर पर पहुंचे। इस तरीके से शेयर मार्केट क्रैश हुआ गौतम अडानी पर हुए बड़े खुलासे के बाद। वो वीडियो आकर सफाई जो दे दे, लेकिन विदेशों में भी गौतम अडानी को जोरदार झटके मिलने लगे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर क्रेडिट स्विस बैंक ने इन्हें पैसा देने से मना किया है, इनके बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, मार्जिन लोन अभी नहीं मिलेगा। क्या है डिटेल में रिपोर्ट, हम आपको लल्लन टॉप के जरिए बता रहे हैं। अपने स्क्रीन पर लल्लन टॉप की खबर देखिए। लल्लन टॉप ने लिखा, यूरोप के इस बड़े बैंक ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो कर दी, दिक्कत बढ़ने वाली है। यानी उनके बॉन्ड्स को ये अब लेंगे ही नहीं, अगर उनका बॉन्ड्स पहुंचता भी है इस बैंक के पास तो उसकी वैल्यू जीरो है। मतलब गौतम अडानी को दिन में तारे दिखने लगे हैं, पसीने छूटने लगे हैं, रास्ता बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अपने देश में लोगों का नुकसान करा रहे हैं, सार्वजनिक कंपनियों को बड़ा घाटा लगा है गौतम अडानी के कंपनियों पर हुए खुलासे के चलते। हिंडनबर्ग अमेरिकी रिसर्च फर्म है, वो अपने रिसर्च पर, अपने रिपोर्ट पर कायम है। अडानी इसे भले ही निराधार बता रहे हो, लेकिन अब उस रिपोर्ट के आधार पर यूरोप से बुरी खबर गौतम अडानी के लिए आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पैठ बना रहे गौतम अडानी ने इतना गड़बड़ झाला अपनी कंपनी में कर रखा है, जिसके चलते लोगों का भरोसा टूटा, शेयर मार्केट टूटा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत टॉप 5 मार्केट में हुआ करता था, वहां से भारत भी बाहर हो गया गौतम अडानी के चलते। अब यूरोप के इस बड़े बैंक ने, क्रेडिट स्विस ने इनके बॉन्ड्स की वैल्यू ही जीरो कर दी। क्या कुछ हुआ है, जरा डिटेल में देखते हैं। लल्लन टॉप ने लिखा है, क्रेडिट स्विस एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। पहले यह बैंक अडानी ग्रुप की कंपनियों को बॉन्ड्स के बदले अपने क्लाइंट्स को लोन देता था, लेकिन अब यह ऐसा नहीं करेगा। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड्स के लिए क्रेडिट स्विस की इस रोक के बाद अडानी ग्रुप के सभी 10 लिस्टेड स्टॉक एक रिपोर्ट के बाद तेजी से गिर गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट स्विस ने अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड द्वारा बेचे गए बॉन्ड्स के लिए जीरो लेंडिंग यानी उधार वैल्यू निर्धारित की है। अब इस बैंक के पास किस मुंह से अडानी ग्रुप जाएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप अगर कोई बॉन्ड रखता भी है तो उसकी वैल्यू ही जीरो है। तो यह दूसरा बड़ा झटका माना जाएगा गौतम अडानी के लिए यूरोपीय यूनियन की तरफ से। क्रेडिट स्विस ने झटका दिया, इससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने इनकी नींद छीन ली। गौतम अडानी को सामने आकर बताना पड़ा कि जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन चुके थे, वो 3rd से 7th, 7th से 15th तक पहुंच गए,
और लगातार उनके नेटवर्थ में गिरावट देखी जा रही है, शेयर मार्केट टूट रहा है, तो गौतम अडानी को भाई नींद कैसे आएगी। अब जब 20,000 करोड़ का FPO उन्हें वापस लेना पड़ा, जिसमें निवेशकों के भरपूर पैसे लग गए थे, फुल्ली सब्सक्राइब्ड FPO को वापस करना पड़ा, कहीं ना कहीं गौतम अडानी को इस बात की आशंका है कि यह FPO भी हिट नहीं होगा, यह भी बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे में 20,000 करोड़ कोई आम लोगों के पैसे तो होंगे नहीं, ये पैसा उन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी होगा जिसके साथ संबंध अडानी खराब तो नहीं करना चाहते हूं। हो सकता है आम आदमी के लिए एक वक्त के लिए वो आंख मूंद ले जाए, डूब जाए, पैसा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिस इन्वेस्टर्स के सहारे वो अपने बिजनेस को सीढ़ियों से छलांग लगा रहे हैं, लिफ्ट की तरफ भाग रहे थे रॉकेट की स्पीड से, उस इन्वेस्टर का अगर इसमें पैसा गया होगा, अगर वो डूब जाता, जैसा कि गौतम अडानी ने खुद कहा कि बाजार में उतार चढ़ाव के चलते उनके ग्रुप्स के शेयर भी गिर रहे हैं, तो ऐसे में अगर FPO हम सब्सक्राइब करवा कर ले भी लेते तो फिर निवेशकों को बड़ा झटका लग सकता था। ऐसे में समय से पहले ही उन्होंने अपना FPO कैंसिल कर दिया और पैसे सबके लौटाने के वादे भी कर दिए हैं। तो गौतम अडानी ने अपना जो है निर्णय सुनाया है, लेकिन विदेशों से जो लगातार झटके गौतम अडानी को मिल रहे हैं उसका क्या करेंगे, इस वजह से ललन टॉप ने डिटेल में जानकारी दी है। बिजनेस टुडे रिपोर्ट के हिसाब से, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से, तमाम ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं जिसने गौतम अडानी को परेशान किया। गौतम अडानी भी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ कर अपने फर्जीवाड़े को बचाने की कोशिश करने में लगे थे। जो गंभीर आरोप गौतम अडानी झेल रहे हैं उस पर कोई निष्पक्षता, कोई जांच, कुछ ऐसी बातें सामने नहीं आई है जो हमारे सरकार की तरफ से हो अब तक। तो ऐसे में क्या गौतम अडानी इस आरोपों को पचा जाएंगे और फिर अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए तिक्रमबाजी करेंगे, सार्वजनिक उपक्रमों का पैसा अपनी कंपनी में भरपूर उपयोग करेंगे, क्या रास्ता है? क्योंकि ऐसे मामले में तो अभी तक जांच एजेंसियां लग जानी चाहिए थी। गौतम अडानी ने क्या किया, कहां से पैसा आया, क्यों इतनी रॉकेट के स्पीड से आगे बढ़े और कैसे धड़ाम हो गए एक खुलासे के बाद कि इस कंपनी ने तो कर्ज का अंबार लगा रखा है, इस कंपनी के शेयर्स जो है वो ओवर वैल्यूड है, 1-2% तक नहीं 85% तक ओवर वैल्यूड शेयर्स है। तो भाई नींद तो गौतम अडानी की उड़नी तय थी और उड़ भी गई, तभी तो उन्हें सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं, कंपनी फिर से पिकअप पकड़ेगी। लेकिन अभी जो विदेशों से खबर आ रही है वह गौतम अडानी को सांस लेने नहीं दे रही है। इस मामले में ललन टॉप ने लिखा है कि जब ऐसी स्थिति हो जाएगी बॉन्ड्स वैल्यू जीरो हो जाने के बाद अडानी क्या करेंगे। इसमें जानकारी दी गई है, जब कोई प्राइवेट बैंक किसी कंपनी के बॉन्ड्स की लेंडिंग वैल्यू जीरो कर देता है तो संबंधित कंपनी को कर्ज जारी रखने के लिए नकद के साथ टॉप अप करना पड़ता है, कंपनी को दूसरे विकल्प के तहत दूसरे कोलेटरल मुहैया कराने होते हैं। अगर वो कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो कंपनी की सिक्योरिटीज को बेचकर भरपाई की जा सकती है। हालांकि सभी यूरोपियन बैंक ने अभी तक गौतम अडानी को झटका नहीं दिया है, कुछ बैंकों ने दिया है, कुछ बैंक अभी भी उनके बॉन्ड्स पर 75% तक उधार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कब तक, जब गौतम अडानी के ग्रुप की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, क्या वाकई में धोखाधड़ी हुई है, जो इतना गंभीर आरोप हिंडनबर्ग ने लगाई है भारत में उसकी सत्यता कितनी है, अडानी ग्रुप ने कितना बड़ा झोल किया है, ये सब अगर सामने आएगा तो दुनिया भर में जगहंसाई होगी। वैसे भी अडानी डाउनफॉल में जाने लगे हैं जो कि किसी भी लिहाज से तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी उचित नहीं है, लेकिन ईमानदारी से अगर यह काम हो गया होता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।